आपको तीनों विधि बताया, या चलते फिरते करो, मेरे से दोबारा पाप नहीं होना चाहिए। यो सब संबंध मेरा बाप है, टीचर है, मेरा बेटा है, मेरा सदगुरु है, सब संबंध जो, क्योंकि नहीं तो किसी को, जिसको बच्चे नहीं तो बच्चों की याद आती है, किसी को पति की याद आती है, किसी को और माँ की याद आती है, इस संबंध में। तो ये एक भगवान से संबंध जो, लेकिन उससे भी पहले जो किए हुए पाप है उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, अग्नि नहीं है जलाने के लिए। तो योग अग्नि चाहिए, उसका नाम तपस्या। वो दो दफा सवेरे 15 मिनट, आधा घंटा शाम को 6:30 से 8 बजे तक बैठते हो। किसके लिए तपस्या कर रहे हो? अपने विकर्म विनाश करने के लिए। हम इस रूहानी हॉस्पिटल में क्यों आए? भगवान को जरूरत नहीं, हमारे बीमारी मिटाने के लिए। कौन सी बीमारी है? बुरे संस्कार, बुरे स्वप्न आते हैं। जिस दिन 5 विकारों के स्वप्न आना बंद हो गया, तब समझना हम फरिश्ते बन गए, कर्मातीत बन गए। कल शरीर छूट जाए, कल देवता बन जाएंगे। अगर उसके पहले शरीर छूट गया तो कहां आना पड़ेगा? सत्य में जाए सकेंगे? फिर से जन्म लेना पड़ेगा यहाँ, है ना? तो जन्म लिया, तुरंत शरीर छूट गया। तो ये किए हुए कर्म भोगने का तरीका है। इसको शास्त्रों में कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जटले। जनन जनन मरण के चक्कर में बार बार आना पड़ता है, क्यों? अंदर पाप भोगने का तरीका है। पाप कैसे हो? क्यों बार बार एक्सीडेंट होता है? क्यों बार बार बीमारी आती है? तो पाप अंदर है, जन्म मरण, तो पाप मिटाने का तरीका। अगर पुण्य आत्मा है, कम जन्म, सिर्फ 8 ही जन्म, है ना? सत्युग से त्रेता सत्युग अंत तक 8 ही जन्म, वही कलयुग में 40-42 जन्म। क्यों? पाप अंदर ज्यादा, जन्म ज्यादा, जन्म मरण मरण दुख।